तो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हील टूल को इंस्टॉल कैसे करें अपने काली लिनक्स में विदाउट एनी एरर्स। और इस भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि व्हील टूल पे एक वीडियो बनाओ विदाउट एनी एरर्स, तो यही वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हील टूल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और फिर आपको रूट यूज़र में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ sudo su और फिर आपको अपना पासवर्ड दे देना है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रूट यूज़र में। अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है apt get full upgrade। तो अपग्रेड लिखता हूँ मैं, apt get full upgrade। इतना टाइप करने के बाद ये हमारा अपग्रेड होने लग जाएगा। इसमें थोड़ा समय भी ले सकता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना है। हो सकता है कि इसमें आपका एक घंटा भी ले ले, लेकिन आपको वेट करना है इसमें। और फिर मैं यहाँ पे वाई टाइप करके इसे एंटर कर देता हूँ और अब ये हमारा अपग्रेड हो रहा है। तो और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में, इस एरर को सॉल्व करने में मुझे कम से कम 8 घंटे का टाइम लगा है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। और अब ये लगभग फिनिश ही होने वाला है क्योंकि मैंने अभी वीडियो को फास्ट कर रखा है। तो इसे होने देते हैं। और अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब हमें एक और कमांड लिखनी है अपडेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है apt get update और फिर एंटर कर देना है। अब ये हमारा अपडेट होने लग जाएगा और ये अब अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक और कमांड लिखनी है apt get dist upgrade। तो इतना टाइप करके आपको एंटर कर देना है और अब ये हमारा dist अपग्रेड हो चुका है। और फिर आपको इसे क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर को, अपने PC को रीस्टार्ट पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसे रीस्टार्ट करते हूँ। आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना। और रीस्टार्ट करने के बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपना टर्मिनल फिर से ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप करना है sudo su। आपको यहाँ पे रूट यूज़र में चले जाना है फिर से और फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है apt get remove व्हील। इससे ये होगा कि अगर वो आपका पहले से इंस्टॉल होगा तो पूरा रिमूव हो जाएगा, इससे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया apt get remove व्हील और उसके बाद आपको टाइप करना है apt remove व्हील। तो इतना टाइप कर दिया है मैंने और अब ये हमारे सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपको इसे क्लोज़ कर देना है। और अब हमारा आता है तीसरा स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप। इसमें हम व्हील टूल को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको रूट यूज़र में चले जाना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया sudo su और मैंने अपने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। और इतना करने के बाद हमें अब इंस्टॉल करना है व्हील टूल को। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है apt get install व्हील और जैसे ही मैंने ये टाइप किया, अब ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और अब ये डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद आपको टाइप करना है व्हील। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन। आपको वाई टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे यहाँ पे ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें काफ़ी समय ले सकता है, कम से कम 1 घंटे भी ले सकता है या फिर आधा घंटा भी ले सकता है और ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर ये हमारा छोटा सा जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा समय भी ले सकते हैं, तो आपको इसे क्लोज़ नहीं करना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, सो बी पेशेंस। और अब ये हमारा लगभग हो ही चुका है कंप्लीट और फिर से आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर से ये हमारा जो आधा और डाउनलोड बचा है वो भी होने लग जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर ये हमारा थोड़ा और जो इंस्टॉलेशन है इसका पाइथन 32 etc ये अपने आप ही डाउनलोड होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आपको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फिनिश पे।
और यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, और ये थोड़े और डिपेंडेंसीज फाइल्स जो भी है डाउनलोड होने लग जाए, फिर आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये थोड़ा डाउनलोडिंग होने लग जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करके इसे ओके कर देना है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर यस पे क्लिक कर देना है, और ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन इसका अब लगभग कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आपको इसे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको एक और कुछ ऐसा शो होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये हमारा इंस्टॉलिंग होने लग जाएगा, तो इसे होने देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना होता है अपने कंप्यूटर का। पहले तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं, आपको यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देना है, फिर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर दें, और फिर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप टाइप कर देते हैं अपना पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इतना करने के बाद अगर आपके सामने कुछ ऐसा शो हो रहा है, ये देखिए डन के बाद आ रहा है हमारा एरर #23, तो अगर आपका भी ऐसा आ रहा है तो आपको यहाँ पे इस पार्ट को कॉपी कर लेना है, जितना मैं कॉपी कर रहा हूँ आपको इतना करना है, या फिर आप इसे टाइप भी कर सकते हैं आप यहाँ से देख के। और यहाँ पे फिर आपको इसे पेस्ट कर देना है, देन एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये हमारा कुछ इंस्टॉलेशन जो रह गई थी बीच के इंस्टॉलेशन में, वो हमारी कंप्लीट होने लग जाएगी, तो इसे होने देते हैं। और फिर आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड दे देना है अपने कंप्यूटर का, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ पे टाइप करना है व्हील, और जैसे ही हम ये टाइप करेंगे, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसमें मैंने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं, आपको केयरफुली इस स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपका ये वर्क करेगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमारा कुछ से कुछ एरर आ रहा है। तो आपको केयरफुली स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने किया है। और यही थी आज की वीडियो, जैसा कि इस भाई ने बोला था कि हेलो ब्रो, हाउ टू इंस्टॉल व्हील विदाउट एरर, टेल मी ब्रो। और जब ये व्हील इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो इनके सामने कई सारी एरर्स देखने को मिली होंगी, और मुझे भी काफ़ी सारी एरर्स देखने को मिली थी। करीब मुझे 6 घंटे लग गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और फाइनली जाके मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही गया। तो यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।